श्रीनगर हाईवे पर रामबन टनल पर हुआ बड़ा हादसा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर डहा निर्माणधीन सुरंग का हिस्सा। हादसे में एक की मौत, 9 अभी भी लापता। बचाव कार्य जारी। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, टारगेट किलिंग। चुनाव को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा घाटी में अब और बिगड़ रहे हैं हालात। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक ठाकुर शिवदेव सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। त्रिकुटा पहाड़ियों पर आग पर नियंत्रण के बाद एक बार फिर बहाल हुई वैष्णो देवी यात्रा। गुरुवार से चालू किए गए दोनों मार्ग, आग की वजह से एहतियातन यात्रा पर लगाई गई थी रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। कश्मीर डायरी के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370, टारगेट किलिंग, फिल्म कश्मीर फाइल्स, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, परिसीमन की रिपोर्ट और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ते ही नजर आ रहे हैं, लोग अपने घरों में भी सुरक्षित अब महसूस नहीं कर। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी घाटी का माहौल और बिगाड़ रही है। कश्मीर फाइल से पहले भी ये घटनाएं हुई हैं। तमाम परेशानियों की वजह जो है वो 370 है और 370 के हटते ही हालात ठीक हो जाएंगे। हमें ये कहा गया था कि 370 ही वजह है कि कश्मीर में कुछ लोग जो है अलायदगी सोच रखने वाले हैं, और अगर ये हट गया, दफा हट गया, तो ना यहाँ बंदूक रहेगी, ना अलायदगी सोच रखने वाले लोग जो है वो सोच रखेंगे। आज 2.5 साल हो गए, हालात में बेहतरी कहाँ आई? जो मतलब टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला रुक ही गया था। मुझे नहीं याद है कि इससे पहले टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला कब हुआ होगा, लेकिन आज कहीं पे भी कश्मीर में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। उन इलाकों से जहाँ से मिलिटेंसी का हमने सफाया किया था, खासकर श्रीनगर के आसपास के इलाकों का, कुछ नॉर्थ कश्मीर का, उन इलाकों में दोबारा से अब मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। अब तो श्रीनगर में अपटाउन में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते, तो बाकी जगहों की बात ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत के करने में और कहने में काफ़ी फर्क रहा है, और हालात जो है वो दिन ब दिन और ज़्यादा खराब होते न। वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन जिले के खूनी नाला मगरकोट के पास सुरंग निर्माण का काम शुरू होते ही गुरुवार की देर रात पहाड़ दरक कर नीचे आ जाने से 10 मजदूर लापता हो गए। इसके साथ ही खुदाई में लगी मशीनरी भी दब गई, जहां हादसे में बचाव कार्य अभी भी जारी है, जहां कई टीमें मौके पर डटी हुई है। मलबा नीचे आने के साथ ही हाईवे पर वाहनों को रोक दिया गया, जिससे सैकड़ों छोटे बड़े वाहन रास्ते में फंस गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति, अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति देखी जा रही है? सुरंग ढहने से एक बड़ा हादसा हुआ है। ये रात 11 बजे के लगभग की घटना है, जब ये जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेनिंग का काम चल रहा था, तो वहां पर खूनी नाला के पास एक 2 ट्यूब्स है, एक आने के लिए एक जाने के लिए। तो जो जम्मू से श्रीनगर जाने वाली ट्यूब है उसको कल शुरू किया गया था दिन में, उसमें विस्फोट लगा के डायनामाइट से उसको जो चट्टाने हैं वो उतारी तोड़ी गई थी, और उसके बाद रात को वहां पर देर शाम वहां काम शुरू किया गया था। तो जब वहां काम शुरू हुआ तो वहां पर अभी ये शुरू ही हुआ था, कोई 4-5 फीट की ही खुदाई शुरू हुई थी कि एक पहाड़ पूरा ऊपर से आकर इनमें गिर गया। अगर ये टनल आगे पहले की खुदी हुई होती तो शायद जो उस समय 12 लोग थे इन गाड़ियों में, वो शायद अंदर जाके कहीं उनको बच पाने की उनकी उम्मीद हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल खड़े होने की भी जगह नहीं थी, तो सारा पहाड़ का मलबा ही उनके ऊपर गिर गया। तो काल इमीडिएट वहां पर सेना, अर्ध सैनिक बल, पुलिस, एनजीओज, एसएसपी, जितने भी तमाम थे, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस, सभी मौके पर पहुंच गए, लेकिन सुबह रेस्क्यू तक सिर्फ 3 लोगों को जिंदा बचाया गया। उसके बाद जितने भी लोग थे उनका यही उम्मीद है कि
कि वो अब जीवित नहीं होंगे, लेकिन एक व्यक्ति का शव जरूर बरामद हुआ है, बाकी अभी शव भी बरामद नहीं हुए हैं, अभी भी रेस्क्यू जारी है, एम्बुलेंसेस बाहर खड़ी हैं, लेकिन किसी के बच पाने की अब उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल ज्योति, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, प्रशासनिक अमला अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ताकि हर किसी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, लेकिन इस बीच अगर यहाँ पर नेता राजनीतिक दलों की बात की जाए तो किस तरह से उनके पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दुख तो सबको है क्योंकि इसमें अगर कोई कमी थी तो सिर्फ ये देखना था कि एक विस्फोट के बाद जो पहाड़ है वो कितना मजबूत रह जाता है, यही चेक नहीं किया। हालांकि ये जिस जगह का ये वारदात है उस जगह को खूनी नाला कहा जाता है और ये इसी नाम से प्रख्यात है क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड शूटिंग स्टोन बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़ी सी भी बर्फबारी या बारिश होती है, आंधी चलती है तो शूटिंग स्टोन शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जब वहां पर कोई चीज करनी थी तो उसका पूरा एहतियात बरतना चाहिए था, पहाड़ों की जो स्ट्रेंथ है उनको जरूर चेक करना चाहिए था जो इन्होंने शायद नहीं किया, तभी ये हादसा हुआ है। लेकिन जिस जगह का नाम ही खूनी नाला है, यहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट्स पहले भी काफी हुए हैं और उसके बाद बदस्तूर जम्मू से आज ADGP वहां पर पहुंचे थे, IG हैं वो जम्मू रीजन के, वो वहां पहुंचे थे। जितने तमाम राजनीतिक दल हैं वो वहां तो नहीं पहुंचे क्योंकि हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लेवल पर जो एक इस मौके पर संवेदनाएं ही प्रकट की जा सकती हैं वो उन्होंने जरूर प्रकट की हैं। हाँ बिल्कुल ज्योति, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। वहीं NIA कोर्ट ने अलगाववादी नेता यासिन मलिक को दोषी करार दिया है, जिस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि फैसला सुनाना अदालत का अधिकार है। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोर्ट का अधिकार है कि वो फैसला सुनाए, जबकि जिन लोगों पर फैसला सुनाया गया है उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने और निर्णय बदलने का प्रयास करने का भी अधिकार है। यासिन मलिक ऐसा करता है या नहीं करता ये उस पर निर्भर करता है। अदालत का हक है कि वो जो कार्रवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हैं और जिसके बारे में फैसला सुनाया गया हो उसका भी हक है कि वो उससे ऊपर वाली अदालत में जाके उस फैसले को तब्दील करने की कोशिश करें। अदालत ने अपना फैसला सुना लिया है, अब इसके बाद यासीन मलिक क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उन तक है। मैं इसका वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने जम्मू के पार्टी कार्यालय में जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की, साथ ही उनसे कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई, जिसके बाद उन्होंने संबोधित अधिकारियों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक ठाकुर शिवदेव सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जम्मू के बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई, जहां संगठन महासचिव अशोक कौल भी मौजूद रहे। इस दौरान रविंद्र रैना ने बताया कि बीजेपी की राष्ट्रवादी नीति और PM मोदी की सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति से प्रेरित होकर कई लोग भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिनका स्वागत है। त्रिकुटा पहाड़ियों में हिमकोटी के पास के जंगलों में लगी आग को नियंत्रित करने के बाद गुरुवार से माता वैष्णो देवी की यात्रा दोनों मार्गों पर एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दी गई। बता दें कि बुधवार देर शाम आग का धुआं यात्रा मार्ग की ओर बढ़ने के कारण एहतियातन यात्रा को रोक दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि हिमकोटी जंगलों की आग पर काबू के बाद गुरुवार सुबह कटड़ा के आधार शिविर में श्रद्धालुओं का पंजीकरण अपने निर्धारित समय पर शुरू कर दिया गया था। पहले पुराने मार्ग पर यात्रा बहाल की गई, के बाद दोपहर को अर्धकुंवारी से भवन के नए मार्ग को भी खोल दिया गया है। इसके साथ ही बैटरी कार सेवा भी बहाल कर दी गई है।
वहीं कठुआ में उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क बनाने की अब तैयारी हो गई है और इस महीने की 28 तारीख को ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस बायोटेक पार्क को देश को समर्पित भी करने जा रहे हैं। कठुआ में करीब 44 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ ये बायोटेक पार्क उद्यमियों के साथ साथ किसानों को भी अब मंच उपलब्ध कराएगा, जो कि एक बड़ी सौगात किसानों के लिए देखी जा सकती है। ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की परियोजना में व्यक्तिगत रुचि के बाद 10 फरवरी 2019 को इसका काम भी शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हुए निर्माण के बाद भी इसे लेकर पीएमओ कार्यालय की विशेष रुचि के बाद परियोजना को निर्धारित लक्ष्य तक पूरा कर लिया गया है। जम्मू स्वास्थ्य सेवा के महासचिव कमलजीत सहानी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि 24 मई को जम्मू के तमाम स्वास्थ्य संस्थान बंद रहेंगे, जिसका कारण पिछले साल से कर्मचारियों की रुकी हुई डीपीसी है। साथ ही साथ कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें 5 महीने से वेतन नहीं मिला और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जम्मू स्वास्थ्य सेवा ने 24 मई को हड़ताल करने का भी ऐलान किया है। जो कॉल जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन ने दी हुई है 24 तारीख को काम छोड़ हड़ताल, उस दिन 10 से 1 बजे तक हमारे तमाम हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो बंद रहेंगे, क्योंकि हम कुछ हमारी जो डिमांडें थी वो सरकार ने अभी तक नहीं मानी है। हमने सरकार को बहुत बार रिप्रेजेंटेशन दी, प्रोटेस्ट किया, धरने दिए, लेकिन इन्होंने उस पर अभी तक कोई गौर नहीं किया। और हमारी सबसे मुख्य डिमांड जो थी वो थी डीपीसी, जो पिछले 4 साल से हमारी नहीं हो पाई है। यहाँ तक हमारे 25-25 साल से कुछ लोग जो हैं वो अभी तक भी फार्मासिस्ट हैं, और पिछले कुछ लोग हैं जो 13 साल से प्रमोट नहीं हो पाए, और हमारे यहाँ साल में 2 बार डीपीसी होने का जो है प्रावधान होना चाहिए था, जो गवर्नमेंट के कानून में लिखा गया है, लेकिन वो डीपीसी 4 साल में नहीं हो पाई, जिससे कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो रिटायर होकर भी चले गए, उनको इसका प्रमोशन का कोई बेनिफिट नहीं मिला। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर का मुद्दा उत्तर प्रदेश के बाद अब जम्मू तक भी पहुंच चुका है। लाउडस्पीकर की गूंज जम्मू के कॉलेज में भी सुनाई देने लगी है, जिसके बाद जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज के सामने मस्जिद से आजान की तेज आवाज के विरोध में छात्रों ने भी हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। दरअसल छात्रों का कहना है कि कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं, मगर लाउडस्पीकर की आवाज से एकाग्रता भंग हो जाती है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को बहुत बार लाउडस्पीकर हटाने के लिए अनुग्रह भी किया, लेकिन कुछ न होने पर उन्हें ये कदम उठाना पड़ा, जिसके बाद इस हंगामे के चलते पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि देश के कई राज्यों में मंदिर, मस्जिद, चर्च या बाकी धार्मिक स्थलों से बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकरों को हटाया जा रहा है। जो भी कार्य हो कॉलेज में अनुशासन के साथ हो, जो भी कार्य हो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो, जो भी कार्य हो छात्रों के हित में हो। क्या आपको लगता नहीं आपने थोड़ा जल्दी कर दिया? टाइमिंग जो है वो 10 से लेकर चलिए अभी तो फिलहाल हमें सुनने को आ रही आवाज़ें, जब नहीं आएगी हम भी जेएमसी का बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, हम भी अपने अधिकारी लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, और मैं छात्रों की तरफ से स्वयं बुके लेकर जाऊंगा, उन्हें पकड़ाऊंगा कि आपने इतनी ऐतिहासिक जीत हमें लेकर दी। क्या इसको भाई साहब देखिए, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक छात्रों की आवाज़ें अधिकारियों तक नहीं पहुँची जाएंगी, तब तक जी रोज़ रहेगा। कश्मीर के गांधरबल जिले में स्थित माता खीर भवानी के जलकुंड के पानी का रंग लाल हो गया है। स्थानीय कश्मीरी पंडितों के मुताबिक ये खतरे का संकेत है। उनके अनुसार जब भी कश्मीर की घाटी में कोई भी विपदा आती है तो इसका संकेत जलकुंड के रंग बदलने से मिलता है। बता दें कि जिले के तुलमुला गांव में स्थित माता खीर भवानी के इस मंदिर की खास बात यहाँ का जलकुंड है। भक्तों के अलावा स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहाँ के जलकुंड में पानी के रंग से लोगों को आने वाले समय का ज्ञान हो जाता है। पानी का रंग लाल, पीला या काला होना किसी बड़ी समस्या के आने का प्रतीक माना जाता है, जबकि सफेद, नीला या हल्का रंग अच्छाई के प्रतीक माने जाते हैं। हमें 10-15 दिन हो गए इधर बैठे हुए, तो मगर पानी का रंग ठीक नहीं है, इसका कलर अच्छा नहीं है। मैंने लाइफ में पहली बार ये रंग देखा है, मैंने आज तक ये रंग नहीं देखा है। ये एक मतलब पहले 2 साल पहले हुआ था, फिर आया कोरोना तो कितनी की डेथ हो गई, कितनी हालत ख़राब हो गई। अब फिर आया तो ये देखो कितनी हालत, और भी हालत ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि इसका कलर आप खुद देखो, इसका कलर चेंज होता रहता है। जब भी कोई विपदा आनी होती है ना, उस टाइम इसका कलर चेंज होता है, नहीं तो इसमें इतने सुंदर रंग होते हैं, इतने प्यारे रंग होते हैं। ये इसका नेचुरल है, ये हम नहीं बोलते हैं,
जिसको भी कोई गलत फहमी है वो आकर देखे इसको। कारगिल में पर्यटन विभाग ने होमस्टे मालिकों के लिए सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल में ओयो के सहयोग से दो दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया है, जहां डीसी कारगिल संतोष और सुखदेव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही इस मौके पर जिले के सभी होमस्टे मालिक भी मौजूद रहे। इस दौरान ओयो की ओर से स्वाति और नीतू ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया। हम ओयो से यहाँ पे लद्दाख टूरिज्म का जो ये प्रोजेक्ट है, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है, उसमें आए हैं। और कारगिल में आके पहली बार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो लेह टू कारगिल में जब हम आते हैं, जो माउंटेन्स हैं वो तो बहुत ही सुंदर माउंटेन्स हैं। ऐसे तो शायद मैंने लाहौल, स्पिति और लेह में भी नहीं देखे, सो वो बहुत सुंदर है। और हमारा यही तात्पर्य है इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत कि जितने भी होमस्टे ओनर्स हैं लद्दाख लेह के अंदर 275 और 275 ही कारगिल में जो होमस्टे ओनर्स हैं वो एक बेहतर होमस्टे ओनर्स बने और जो वो काम करते हैं उसमें उनका मुनाफा भी हो। सर, इसमें मुझे लगता है कि जो हमने लेह में जो किया वहाँ पे जो 275 होमस्टे ओनर्स थे उनका तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा। हम जैसा कि यहाँ कारगिल में भी आज देख रहे हैं सुबह से जो भी यहाँ पे प्लानिंग है और जो भी अभी चीफ गेस्ट सर ने कहा, मुझे लगता है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बढ़ती गर्मी के चलते जम्मू के जंगलों में आग लग रही है और जलवायु का परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसके चलते जम्मू में जलवायु मोर्चा भारत CFI के युवा स्वयं सेवकों ने जंगलों को बचाने के लिए और पेड़ लगाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदर्शन भी किया। साथ ही सरकार से अनुरोध किया है कि पेड़ लगाने के लिए सरकार लोगों को जागरूक करे। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता हरमीत ने स्वयं सेवकों से बातचीत की। लगातार गर्मी के चढ़ते हुए हमने कई इंसिडेंट जम्मू कश्मीर में लगातार देखने को मिल रहे हैं, जहां जंगलों में आग लगी जा रही है, वैष्णो देवी के पहाड़ों में आग लगी है और भी हर कई जगहों पर जो है आग लगी हुई है, जिसका कारण गर्मी है। और गर्मी को अगर तोड़ा जा सकता है तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो है, और क्लाइमेट को हरियाली में लाने के लिए कहीं ना कहीं पेड़ लगाने की बहुत सख्त जरूरत है। हमारे साथ यहाँ पर जहाँ जुड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह का आप जो मांग इस समय की जा रही है, गर्मी बढ़ रही है, क्या क्लाइमेट को वापस बदलाव करने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए, जहां सरकार बोलती तो है कि पेड़ लगाएं और क्लाइमेट को बचाएं, क्या असल ज़मीनी स्तर पर वो कितना हो पा रहा है? ज़मीनी स्तर पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि क्लाइमेट चेंज अब रुकने नहीं वाला, हम वापस नहीं ला सकते। हम लोग ऑलरेडी उस पोजीशन पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम लोग ख़राब कर चुके हैं क्लाइमेट। अब बस नुकसान रोक सकते हैं, नुकसान को बचा सकते हैं, लेकिन हमारी सरकारें, हमारे लीडर्स वो भी नहीं कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई अगर हम लोग कोल माइनों के लिए पेड़ काटेंगे, जंगल काटेंगे, फिर कोल निकालेंगे, फिर कोल जलाएंगे तो होगा क्या? वही चीज़ बार 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 उसी साइकिल में, उसी लूप में फंसते रहेंगे। वही जम्मू में भी हो रहा है। एक हाईकोर्ट बना 25 साल पहले, मुबारक मंडी से डायरेक्ट शिफ्ट हुआ जानीपुर। 25 साल बाद कह रहे हैं नया हाईकोर्ट बनाएंगे जंगल काट के। वहाँ भी जंगल काटा, अब यहाँ भी जंगल काटेंगे। ऐसे कैसे बचाएंगे क्लाइमेट, ऐसे कैसे हम लोग रोकेंगे? आज जम्मू में गर्मी इतनी है, कल को सोचो कहाँ पहुँचेगी बात। अगर 50+ टेम्परेचर नॉर्मल हो गया हम कैसे जिएंगे? हर एक मरना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे हेल्थ क्राइसिस आ जाएंगे। इतना बड़ा क्राइसिस सरकार नहीं संभाल सकती। बट सरकारें बढ़ती हुई गर्मी पे कहीं ना कहीं इंसानों के साथ साथ जानवरों की बात करें, जो जीव बोल नहीं सकते वो भी कहीं ना कहीं इस पेड़ लगाने से शायद उनको भी कहीं ना कहीं राहत जो है मिल पाएगी। ऑफ कोर्स सबको राहत मिलती है, लेकिन हमें समझना होगा कि पेड़ लगाना तो एक है, पर पेड़ बचाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बचे हुए पेड़ तो जहाँ एक ओर तपती गर्मी ने लोगों का हाल बिगाड़ रखा है, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्र पिछले 20 दिनों से बिना बिजली के चल रहा है। स्कूल में ना तो पंखा चल रहा है, ना ही कोई सुविधा मिल पा रही है, जिससे छात्रों का गर्मी से भी बुरा हाल है। वहीं इससे परेशान होकर जब छात्र प्रिंसिपल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो प्रिंसिपल ने मिलने से ही मना कर दिया, जिसके बाद गर्मी से परेशान बच्चों ने स्कूल आना ही बंद कर दिया है। जब प्रोटेस्ट के अंडर नहीं आए हैं 11th के जो बच्चे, 11th ही चल रही है फिलहाल, 12th अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो बच्चे आए नहीं हैं शायद इसी कारण, क्योंकि वो सुबह से लेके 2 बजे तक बिना पंखे के बैठ रहे हैं। एग्ज़ाम्स भी हमारे ऐसे ही हो गए हैं ऑलमोस्ट। अब मैं एग्जैक्ट डेज तो मैं काउंट करके नहीं बता सकती हूँ, लेकिन 19-20 दिन हो गए हैं यहाँ पे
कि लाइट का कुछ इश्यूज चल रहे हैं, लाइट नहीं है इस ब्लॉक में पूरे, ये बच्चों के क्लासरूम्स हैं यहाँ पे और साथ में हमारा यहाँ लैब है, इस ब्लॉक में नहीं है। दूसरे ब्लॉक में शायद 10-12 दिन बाद आ गई थी, 12-15 दिन बाद शायद, कुछ एग्जैक्टली मैं डेज काउंट नहीं इस समय कर सकती हूँ, उधर आ गई थी। बस यही इश्यूज हैं कि स्कूल में एक बेसिक बच्चों के लिए मिनिमम, मतलब एक बेसिक नीड होती है लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो तो एक चाहिए ना। अगर बिजली नहीं होगी यहाँ पे, यहाँ मोटर काम नहीं करेगी, पानी भी नहीं होगा। जहाँ देश के बाकी राज्यों में गर्मी अपने चरम पर है, तो वहीं पर्यटक इस गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर भी पर्यटकों की पसंद बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के कारगिल में इस साल बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लोग कश्मीर के मौसम और खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही गर्मी से राहत मिलने पर डांस भी कर रहे हैं। टल टूरिज्म को कोविड के बाद बहुत अच्छा फ्लो है, जिसे आप सब देख रहे हैं। हमारे पास सभी मतलब गेस्ट हाउस या होटल, पेइंग गेस्ट हाउस, इन सब को लेके अभी एकमेंडेशन का जून जुलाई में हमारे पास कोई भी जगह नहीं रह पा रहे हैं। तो अभी हमें खुद इस बात का टेंस है सर कि अभी टूरिस्ट तो इस साल आए, तो इस साल आके बस में उनको मतलब फैमिली के साथ रहना पड़ जाए या गाड़ियों में बैठना पड़े, उस वजह से हमने भी एक मीटिंग किया था आल करगिल ट्रेवल ट्रेड एसोसिएशन होटल एसोसिएशन सबसे, इसी तरह कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बोलने के लिए कि जो भी हमारे पेइंग गेस्ट हाउस का आज तक जो लिस्ट है इसमें तो बढ़ चढ़ के हमारे पास करगिल में कोई ऐसा, हर गांव में जैसे टूरिज़म की स्कीम के तहत हर विलेज में अपना पेइंग गेस्ट हाउस के लिए उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। वहीं जम्मू में लैंड ओनर की मनमानी के चलते कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं। दरअसल पिछले 4 साल से जम्मू का फेमस पाम आइलैंड माल बंद पड़ा है, जिसके चलते 217 इन्वेस्टर्स, 30-40 ब्रांड फ्रेंचाइजी और 3000 मॉल में काम करने वाले लोग बेरोजगार बैठे हैं। तो वहीं डेवलपर की 65% और लैंड ओनर 35% साझेदारी का आपस में डिस्प्यूट के चलते हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। जिन्होंने वहां पर इन्वेस्ट किया है वो जमीन पर आ चुके हैं। कर्मचारियों को कोई पैसा नहीं मिल रहा, मॉल में बिजली का बिल बकाया के चलते बिजली भी कट गई है। मैं आपको बता दें कि मीन मालिक निवेशकों को उनकी रजिस्ट्रियां नहीं करा पा रहा है, जिसके चलते निवेशक पूरी तरह से पेमेंट का भी भुगतान कर चुके हैं और इसी के चलते ना कोई ब्रांड मॉल में आ रहा है। जम्मू में जहां बेरोजगारी दर की अगर बात करें तो 25% जो है पूरे देश में सबसे नंबर वन हमारा जम्मू कश्मीर बेरोजगारी दर पर आता है। और ऐसे ऐसे संसाधन जहां पर लगे हुए हैं, जहां पर कहीं ना कहीं नौजवान बच्चे जो हैं वो एक रोज़गार के साथ जुड़े हुए हैं, एक बड़े बड़े बिजनेस हब्स के साथ, लेकिन अब तस्वीरें ऐसी यहाँ पर जम्मू में दिखने को मिल रही हैं कि जहाँ पर रोडों पे प्रोटेस्ट तो हो ही रहे हैं, लेकिन जहाँ पर कुछ लोग जो प्राइवेट जॉब्स पर ही साथ हो गए, उनको एक आसरा लगा हुआ था जॉब का, वो भी अब बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पर हम आज एक एसोसिएशन के पास पहुँचे हैं जो एक जम्मू के अंदर एक प्रसिद्ध मॉल जिसका नाम पाम आइसलैंड के नाम से था, तकरीबन 2019 से जब कोविड आया था तब से ये मॉल बंद है। और आज कोविड के चलते हुए जहाँ पर हर एक चीज़ जो है पिछले 2 वेव्स 3rd वेव्स के बाद सारी चीज़ें जो हैं जम्मू के अंदर खुल चुकी हैं, लेकिन आज भी ये पाम आइसलैंड बंद पड़ा हुआ है। और जो लोग इसके साथ रोज़गार के साथ जुड़े थे, डेट्स में चला गया, उनका पैसा लॉस में यहाँ पर बैठे हुए हैं। 5 से 6 हज़ार जो रोज़गार बच्चे यहाँ पर काम कर रहे थे वो बेरोज़गार हो चुके हैं। और सबसे बड़ा अहम मुद्दा यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए, जहाँ पर हर एरिया के अंदर बिजली का बिल ना भरने की वजह से उनके बिल काटे जा रहे हैं, उनकी घर की बिजलियां काटी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आज ही एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक मंदिर की बिजली जो है वो भी काट दी गई है, जहां पर मंदिर पे फ्री बिजली होनी चाहिए वो बिजली भी काट दी गई है। तो इस मॉल का जिस तरह से इन्होंने बताया कि 1 करोड़ और 35 लाख तक का बिल जो है अभी तक सरकार यहाँ से रिकवर नहीं कर पाई है, आखिर क्या वजह है? क्या कोई रसूखदार
के साथ ही जो है सरकार जो है वो ढीली पड़ जाती है, और जब कोई मुजलूम और जो गरीब बंदा होता है उस पर बिल काटने से, उसके घर की बिजली काटने से कोई भी रोकथाम जो है वो सरकार की तरफ से नहीं की जा रही। और सरकार को कहीं ना कहीं अब इस पर इनकी मांग ये है कि एक एसआईटी का गठन किया जाए ताकि यहाँ पर पूरी चीज़ का इन्वेस्टिगेट किया जाए, संज्ञान लिया जाए कि आखिर क्या चीज़ें इस मॉल के अंदर पीछे घटी हैं जिसको चलते अभी भी ये मॉल जो है बंद पड़ा हुआ है और सारे इन्वेस्टर्स रोड पर हैं और बेरोजगारी और जो है दर वो जम्मू कश्मीर की यूं ही बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कैमरामैन ऋषि कुमार के साथ मैं हरमीत सिंह, जम्मू। जम्मू में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है, जहां प्रदेश में पारा 43 डिग्री के ऊपर पहुंच गया। तपती धूप और गर्मी से लोगों का हाल बेहद बुरा है। वहीं लोगों का कहना है कि वो गर्मी से बचने के लिए नहर में नहाकर राहत तलाश रहे हैं। वहीं लोगों का कहना ये भी है कि बढ़ती गर्मी के साथ साथ बिजली कटौती भी हो रही है, ऐसे में नदी नहरों में नहाकर ही लोग गर्मी से निजात पाने की कोशिश में हैं। जम्मू में गर्मी इस समय जो है 42 डिग्री से पार कर चुकी है और पारा इतना है कि आप जहां पर खड़े हैं वहां पर खड़ा होना भी जो मुश्किल है। हमारे साथ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहाल गुप्ता है। निहाल जी, बढ़ती हुई गर्मी के लिए क्या कहेंगे, कैसे राहत मिल पाएगी गर्मी से? राहत तो बड़ा मुश्किल है। अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार की गर्मी हमारे जम्मू शहर में क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही पूरी गर्मी का बड़ा माहौल, बड़ा गर्मो गर्मी वाला छाया हुआ है। और साथ में देखा जाए तो गर्मी से राहत के लिए लोग जैसे आप देख रहे हो कि नहर में नहाने आ रहे हैं या अपना थोड़ा रिलीफ कराने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह जा रहे हैं कि हाँ भी थोड़ा इन्जॉय कर लें बाहर आके। लेकिन बाहर आके इन्जॉय भी क्या करना, आपके सामने ही है, गाड़ी में बैठे हैं जहाँ मर्जी बैठे लें, गर्मी का बुरा हाल है। मौसम में बादल तो आसमान में छाए जाते हैं लेकिन इंद्र भगवान लग रहा है शायद प्रसन्न नहीं है अभी। नहीं, उसके लिए तो अब वो भगवान की मेहर है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बारिश का तो माहौल बना ही होता है, अब कल देख लिए परसों देख लिए सुबह बारिश का माहौल बनता है लेकिन दोपहर को फिर वही गर्मी। अब देख रहे हैं गर्मी को लेकर जो है परेशान है मौसम, आसमान में बादल तो छाए जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बारिश जो है वो भी मेहरबान होती है लेकिन उसके बाद फिर भी गर्मी जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही। यहाँ पर जहाँ खड़े हैं लोग अपनी गर्मी से राहत पाने के लिए नहर के पानी पर जो आकर यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी से राहत तो पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लगातार जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला भी है, क्या नाम है आपका? रितु खजूरिया। आप किसके साथ आए हैं? मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ। बच्चों के साथ है। क्या लग रहा है गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है इस नहर के पानी में, थोड़ा अपने आप को बच्चों का नहलाकर कुछ फर्क मिल पाया गर्मी से? हाँ, काफी ज्यादा फर्क लग पाया है, गर्मी थोड़ी हटी है बच्चों से। लाइट ही ज्यादा दरअसल बंद ही रहती है तो गर्मी में बच्चे कहते हैं नहर में चलो, फिर नहर में आ गए। आप देख रहे हैं एक तरफ बढ़ती हुई गर्मी, दूसरी तरफ बारिश नहीं हो रही है, सूरज जो है वो अपनी गर्मी जो है वो फैला रहा है और दूसरी तरफ लाइट ने जो है वो भी बिजली ने जो वो भी परेशान कर रखा हुआ लोगों को। और उसी परेशानी से राहत पाने के लिए लोग यहाँ पर ठंडे पानी में आकर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपने शरीर को गर्मी से राहत देने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। कैमरामैन ऋषि कुमार के साथ मैं हरमीत सिंह, जम्मू। कश्मीर डायरी के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।